नाज़रीन कराम, न्यूज चैनल का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि जो खबरें सामने हो उसे दिखाकर खामोश बैठ जाए, बल्कि जो खबरें लोगों की नजरों से ओझल हो उसे नाज़रीन तक सामने लाना होता है। न्यूज चैनल का मकसद लोगों को डराना या उनके अंदर खौफ और दहशत पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को इंसाफ और उनका सही हक उन्हें दिलाने की हर पल कोशिश करनी होती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 2 मई को हम पहुंचे थे शहर बालासोर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी सारथा पंचायत के रनसरपुर डिहू गांव में। इसी गांव में रहने वाले मधुसूदन बेहरा, जो कि पेशे से मजदूर हैं और बेहद गरीब भी, उनका सबसे छोटा बेटा सत्यजीत बेहरा जो 9 साल का हो गया है लेकिन ना चल सकता है ना बैठ सकता है, माँ बाप इस बच्चे को लेकर काफी परेशान है। बच्चे की उम्दा इलाज करवाने के लिए उनके पास रुपए तक नहीं है, कटक भुवनेश्वर का दौरा कर करके थक चुके हैं। आइए सुनते हैं सत्यजीत के इलाज को लेकर उनके माँ बाप ने क्या कहा। नाज़रीन कराम आदाब। नाज़रीन कराम, वैसे तो आप तर्जुमान के तमाम तर खबरें देखते हैं, तर्जुमान को के तमाम तर जो न्यूज़ को आप पसंद करते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसा गांव पे पहुंचे हैं जो सारथा पंचायत में आता है, रनेश्वरपुर डीओ गांव है, मतलब सारथा पंचायत में जाता है, जेपी में जाता है, जीपी में जाता है, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, लेकिन बहुत ही गली गली के अंदर से हम होकर हमें यहाँ पर गुजर के आना पड़ा। आखिर आना क्यों पड़ा? एक ऐसा घर पे अभी हम पहुँचे हैं जहाँ एक माजूर बच्चा जो 9 साल की उम्र हो चुकी है उसकी, लेकिन उसके बाप माँ परेशान है, ना तो वो बच्चा चल पा रहा है, ना खड़ा हो पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, सिर्फ लेटे हुए रहता है। उसकी बहुत हालात ख़राब है, जिसको लेकर काफ़ी चिंता है माँ बाप और बहुत दुखियारी हैं। जिस तरह के आप सीन देख रहे थे, उनके घर देख रहे थे, उनके यहाँ रहन सहन देख रहे थे, बहुत गरीब परिवार हैं। आइए हम उनसे सीधा बात करते हैं कि मतलब वो बच्चा कब से बीमार है, क्या है। ये जो है हम पहुँचे हैं सारथा, तो हम सीधा आपको बताते चले कि मधुसूदन बेहरा जी हैं और उनकी धर्मपत्नी जी हैं और यहाँ पे जो है उनका बच्चा आप देख सकते हैं। सीधा मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन दिखा रहे हैं कि ये बच्चा 9 साल का है, जो कि किसी भी हालत से कोई बोलेगा नहीं कि 9 साल का बच्चा है। 9 साल के बच्चे के जो फिगर होते हैं, जो फिटनेस होते हैं, वो कुछ भी नहीं है। आइए हम उसकी सीधा मम्मी से बात करते हैं। कौन ना अच्छी अपना नाटक अरुंधति बेहरा छुआ रो ना कौन सत्यजीत बेहरा अपनो माने छुआ को कौन है जी अपनो काठे की कहीं कुछ छुआ जन्म होला पर हम जान पालुन छुआ चलानी पेटिलानी आम जाके एनामी दीदी के देखा कलु सी रेफर करदे रूपसा आम रूपसा हस्पिटाल बर्षे देखलु देखला परिवर्तन आसलानी पुणी बालेश्वर देखलु बालेश्वर रेफर कले उलटपुर उलटपुर 2 वर्ष देखले 2 मास देखला पर पुणी आउ देखि पालुन पैसा अभाव घर रहलु पुणी एबे आम बालेश्वर गलु जाकि एमएल सहित देखा कलु स्वरूप दास सी आमको किछ टंका सहाय्य कले आम भुवनेश्वर गलु भुवनेश्वर 3-4 थर गलु जाकि देखिकि आसलु पिलार किछ परिवर्तन आसनाय रे 2 नंबर पो केते टोटल छुआ केते हमर टोटल 3टा छुआ। अच्छा, ये आपण डॉक्टर कोन कहउछन? डॉक्टर कहउछन पिला को पोलियो सर्ट है। मुझ कहनी कहीं सर्ट होगा मुझ तो पिला को पोलियो दे थी मो पाखर तो प्रमाणपत्र अच्छे गवर्नमेंट मध्यम तो पोलियो के सर्ट हेनी गवर्नमेंट तो पोलियो दूसरी पिला छुटा नापी कहीं मो पा छुटा है मुझे भी सौरभ भाई छात्र एमएल सहित मुझे जुक्ति करी भुवनेश्वर गला मुझे बस स्टाण्र जुक्ति कली सी कहले मुमी कह कौन है तुम्हें जाओ देख डॉक्टर कौन कहते सी तो एमती कहते पोलियो सर्ट है पिला को।
आइए उनके पापा हैं, हम उनके पापा से बात करेंगे, मधुसूदन बेहरा जी से। ये अपनो पुअर अवस्था कौन मैंने कौन कहे कहा कहा पाकर जाइ चंती कहा को साज्य के साज्य रा हाथ बढ़ाई चंती आउ कौन चाहू चंती अपनो मैंने आमर गणमाध्यम द्वारा कहा कौन कहिया पई चाहिबे लोक मान को ना जिला प्रशासन को ना मैंने जो आमर लोक प्रतिनिधि मान को कौन कहिया पई चाहिबे कहा कहा पाकर जाइ चंती साज्य पई साज्य पई बहुत लोक बहु जाइ छी केही मते साज्य को ना थी केवल आमर एमएलए जे अछंती बालेश्वर बे सौरभ दास से मते किछ साज्य करचंती आ मते कहिचंती तमे भुवनेश्वर जाओ भुवनेश्वर एनसो गला पर पिलार टेस्ट पेट कला पर जदि रिपोर्ट कोन आसीबो तब से भगवान कहिबे आमे को कोन करबा आम हाथ किछ को कथा तो नहीं तापर टेस्ट करैले सौरभ भाई कहिया पर टेस्ट करैले हम टेस्ट करी छी तो तापर कोन रिपोर्ट आसला रिपोर्ट आने पे जाई नहीं रिपोर्ट लेट कर आसो के आगु कासी नथिले अमर स्वरूप भाई जे नुआ एमएलए हिचंदे से आगु हात बढी थिले आगामी आपनो छुआ को नै की कोन केर कम ट्रीटमेंट केते खर्च हो जाउ छ मासर पिले पछि मोलो सब गरीब लोक बहुत माने दहा दन को चलु छी पिले आपन कोन करंती मो समुद्र रे फिशिंग जाय के केबे केबे बाहर को भी दु चार मास चली जाय काम करिया पई मनर कथा जदि सरकार पिलाटा को नहीं भल बड़ मेडिकल जदि ट्रीटमेंट कर पारता मुझे बहुत खुशी पारता। आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले जो है इसी तरह एक ओडिशा का एक जगह बढ़िया जो है दो जो है मैंने बच्चे जो है सर जुड़ा हुआ था और पूरा उसको लेकर बालेश्वर मैंने पूरा ओडिशा से लेकर दिल्ली मैंने एम्स तक जाके जो है उनका इलाज किया गया और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। तो इस तरह अगर इस बच्चे की तरफ भी तवज्जा दिया जाए छोटा सा गाँव में रहते हैं मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करते हैं तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। आइए हम इनके साथ कुछ ग्रामवासी जो यहाँ के बासिंदे हैं उनका क्या कहना है इस परिवार को लेकर उनका क्या सोच रखते हैं इस परिवार को लेकर उनसे बात करते हैं उनसे उनकी राय जानते हैं। सर अपन नाटक मना जयंत दास सर अपन यही ग्रामवासी आज्ञा सर ये मधुसूदन बेहरा रो जो छुआ अच्छा मैंने मैंने 9 वर्ष हो गला ठिया ही पार्ना चली पार नहीं बसी पार नहीं से आप कहवाक चाहूँगी तो तंकर आर्थिक परिस्थिति तो बहुत कष्टदायक तेणु से बहुत कष्ट पिलाटे को आज 9 वर्ष पर्यंत देखे चलते कि कौन से प्रकार सहायता भी कौटू पाई ना तो आम भी जापरचु कितु मो कह कथा हूँ जदि गवर्नमेंट या कि स्वास्थ्य मंत्री नहीं कि जो जगह भाया भाया ट्रिटमेंट करते मुझे आशा कर पिलाटा अस्वस्थ हो भल भाव चली बुले पार तो नाज़रीन कराम इसी तरह जो है हमारा ये जो लोगों तक पहुंचने का सिलसिला हर हफ्ता जारी रहेगा। कोशिश करेंगे कि हर हफ्ता इस तरह कोई ऐसे जो बेसहारा लोगों के पास जिसकी कुछ ज़रूरत हो ऐसे लोगों के पास पहुंचेंगे और उनकी दुख दर्द को अपने साथ बांटेंगे और आप तक शेयर करेंगे ताकि आप भी उनके हाथ में हाथ मिलाकर उनकी मदद कर सकें। एक बात और भी कहना चाहूँगा सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सरकार या तो फिर राजनीति पार्टी से मतलब नहीं है यहाँ पे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको जो है अपने तरफ से उनको हेल्प कर सकते हैं हेल्प करिए क्योंकि इंसानियत का हेल्प करना इंसानियत को मतलब खिदमत करना यही सबसे बड़ा धर्म होता है यही सबसे बड़ा मज़हब होता है। तो इंसानियत का आप खिदमत करते रहिए और इंसानियत का भला करते रहिए। तरह जुमान।